हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जब जिक्र संगीत का होता है तो ग्वालियर शहर का नाम बड़े ही अजब के साथ लिया जाता है। संगीत की स्वर लहरियां इस शहर की रगों में बह रही है। कई महान संगीत तक इस शहर ने दुनिया को दिए हैं, जिनमें से एक महान गायक हुए हैं स्वर सम्राट मियां तानसेन। ये जो मकबरा आप देख रहे हैं वो है संगीत के सम्राट मियां तानसेन, जो अपने स्वरों से मेघ बरसाते थे। यह है संगीत की सम्राट तानसेन की मजार। ऐसा कहा जाता है कि ये जब गाते थे तो इनके स्वरों से स्वयं मेघ बरस पड़ते थे। तानसेन जी ने अपने मधुर स्वर से बादशाह अकबर को भी मंत्रमुग्ध कर दिया था। तानसेन बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक महत्वपूर्ण रत्न माना जाते थे। तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिलमिल बेहट में हुआ था। स्वामी हरिदास जी के सानिध्य में कठोर साधना से वह महान तानसेन बने। तानसेन का ये मकबरा वास्तुकला की मुगल शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके चारों तरफ की गई कारीगरी यहाँ आने वाले पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती आ रही है। ग्वालियर एक पर्यटक नगरी भी है, ऐतिहासिक नगरी है और यहाँ पर्यटन की लिहाज से न केवल हमारे देश के वरन विदेशों से भी काफी संख्या में लोग आते हैं, और जब वो आते हैं तो तानसेन का मकबरा उनके आकर्षण का केंद्र होता है। पर्यटक जब वहां से चलता है और ग्वालियर आता है तो वो जो जगह देखना चाहता है उन जगहों में जो उसकी सूची होती है, ग्वालियर किला है तो ग्वालियर किले के बाद दूसरा स्थान अगर वो जो देखना चाहता है तो वो तानसेन का मकबरा है। कठिन परिश्रम एवं लगन से व्यक्ति निश्चय उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। इसका एक बड़ा उदाहरण है स्वर सम्राट तानसेन, जिन्होंने दुनिया के लिए मियां की तोड़ी, मियां की सारंग और दरबारी कनाड और राग दरबारी जैसी कई लोकप्रिय रागों की रचना की। संगीत के सम्राट तानसेन की मजार प्रेरणा देती उन संगीत साधकों को जो यहाँ आते हैं और उनके कठिन परिश्रम और योगदान को नमन करते हैं और दुआ करते हैं कि उनकी स्वरों में भी तानसेन जैसी मधुरता आ सके। यह जो इमली के पेड़ आप देख रहे हैं, इसकी जगह एक प्राचीन पेड़ हुआ करता था। लोगों की उस पेड़ के बारे में मान्यता थी, जो भी इस पेड़ की पत्तियां खाता था उसके आवाज में भी तानसेन जैसी मधुरता आ जाती थी। आज वो पेड़ तो नहीं है, लेकिन इसकी जगह एक इमली का पेड़ लगाया गया है। आज भी लोगों का विश्वास कायम है, लोग आज भी इसके पत्तियां खाकर अपने आवाज में मधुरता लाने की कोशिश करते हैं। स्वर सम्राट तानसेन की स्मृति में प्रतिवर्ष तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। सन 1924 में उर्स के रूप में इसकी शुरुआत हुई। वर्ष दर वर्ष इसका स्वरूप भव्य होता चला गया। उस वक्त जो है उर्स के रूप में होता था, उर्स के रूप में होता था और कोई आने जाने के कोई साधन नहीं थे। कलाकार लोग अपने सिर के ऊपर, पीठ के ऊपर, हाथ में तानपुरा और तबला और ये सब ले जाते थे। फिर वहाँ समारोह होता था और लिमिटेड लोग आते थे क्योंकि गांव जैसा ही था ग्वालियर का एरिया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस समारोह में शिरकत करने के लिए इस मकबरे में आए थे। इसके अलावा कई राजनेता और वरिष्ठ संगीतकार भी इस समारोह में शामिल होते आए हैं।
कि हिंदुस्तान का शायद ही कोई कलाकार हो। मैंने पंडित रविशंकर जी, उस्ताद अमजद अली खां साहब, अली अकबर खां साहब, निखिल बेनर्जी, कृष्णराव पंडित जी, और उसके बाद में पंडित राजन साजन मिश्र, पंडित आपके दसराज जी, अभिषेकी जी, यानी जो एक से एक लीजेंड कलाकार, यानी कोई कलाकार छूटा नहीं है। वर्तमान में इस समारोह की बागडोर मध्य प्रदेश की सरकार की हाथों में है। मध्य प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा इस समारोह का आयोजन भव्य रूप से किया जाता है और इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन पे होता है। महाराजा ग्वालियर जो थे उन्होंने उसको एक अच्छा थोड़ा रूप दिया, फिर भारत सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। भारत सरकार ने उसको आगे ले जाने के लिए केसकर साहब थे उस वक्त सूचना प्रसारण मंत्री, उन्होंने उसको आगे बढ़ाने के लिए यानी आकाशवाणी से उसका डायरेक्ट प्रसारण शुरू कर दिया। तो वो धीरे 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 करके उसका काफ़ी बड़ा रूप लिया। फिर भारत मध्य प्रदेश शासन की अलाउद्दीन खां अकेडमी, संस्कृति विभाग, ये सब मिलकर उसको काफ़ी बड़े स्तर पर ले गए। इस समारोह में संगीत की महान हस्तियों को तानसेन अलंकरण से सम्मानित किया जाता है। तानसेन सम्मान जो होता है वो ये समझ लीजिए कि पद्म भूषण या पद्मश्री या इन सब चीजों से बहुत बड़ा माना जाता है, क्योंकि संगीत के लिए तानसेन बहुत बड़ी चीज है। और तानसेन सम्मान या संगीत एक संगीतकार के रूप के इसमें देना तो बहुत बड़ी चीज़ है। शुरुआत में इसका 5,000 रुपये केवल पुरस्कार था, आज 2,00,000 रुपये हो गया है। तानसेन का यह मकबरा महज एक पर्यटन स्थल ही नहीं है, बल्कि यह वो पवित्र स्थान है जहाँ जो भी आता है वह तानसेन से कठिन परिश्रम और उनके कार्य के प्रति निष्ठा रखने की प्रेरणा लेता है। आपको जब भी लगे कि आप जिंदगी में हार रहे हैं तो एक बार मियां तानसेन के मज़र पर ज़रूर आएं। तानसेन की कठोर साधना आपको कामयाब होने की प्रेरणा अवश्य देगी। रहना रहना ना ना रहना 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 रहना।